हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बीए प्रोग्राम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया गया, और आने वाले टाइम पे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी एडमिट कार्ड होंगे वो आ जाएंगे एनईपी वाले बच्चों के, जिन्होंने 2022 और 2023 में एडमिशन लिया है। तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आपके एडमिट कार्ड पर शो हो रही होगी। जैसे आप देख सकते हो, एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जो कि आ जाए है सेकेंड सेमेस्टर का, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का, दोनों के लिए वीडियो। तो रीमार्क में जिसको भी ये प्रॉब्लम शो करी है, इसमें लिखा हुआ है नो थ्योरी एग्जामिनेशन, ओनली इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल, ठीक है। और एक लिंक दे रखा है उन्होंने, क्लिक ऑन URL लिंक, तो इस पर क्लिक करने के लिए बोला गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट पे ये जो इस पर रीमार्क आ रहा है, कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, ना तो कोई दिन है, ना ही कोई टाइमिंग है, सब एक रिमार्क दे दिया गया। रिमार्क में बोला गया है कि नो थ्योरी एग्ज़ाम, इसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, क्लिक ऑन URL एक लिंक दे दिया गया है। बेसिकली है क्या, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट रहेंगे इससे रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करता है, और जिनके भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके भी एडमिट कार्ड रीमार्क में ये मेंशन है, वो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बीए प्रोग्राम के लिए, ऑल कोर्सेज़ के लिए क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लिंक है, हमने जब इस लिंक पे क्लिक किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने हमें लगा कि हो सकता है कोई कुछ नई चीज़ हो। हमने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, पता है क्या होता है, एक नोटिस डाउनलोड होता है। वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नोटिस है क्या। तो देखिए, जो वो लिंक है ना आपके एडमिट कार्ड, उससे ये वाला नोटिस आपका डाउनलोड हो रहा है। और ये जो नोटिस है, जिस दिन नोटिस आया था ना, उसी दिन हमने इसको लेकर वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे। आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम कैंसल्ड सम कोर्सेज करके, वो इसी नोटिस के ऊपर थी। कोई बात नहीं, नहीं देखी वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा देख लो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स, कोई रिसेंट में इन्होंने डेवलपमेंट हुआ है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट करंटली एनरोल्ड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हाल फिलहाल में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में एनरोलमेंट किया, जो अभी जस्ट आए हैं, जो इनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, डेट सर्टेन ब्लो मैंशन सब्जेक्ट हैव बीन डिजाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ओनली। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है सिर्फ उनके इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकली कराए जाएंगे, और दिस मीन्स डेट देयर विल बी नो थ्योरी एग्ज़ाम फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से जिनके आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहला आपके सामने दिखा देता हूँ, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके कोई भी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होंगे। पहला है इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। अगर आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में, अगर आपने ये सब्जेक्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में ले रखा होगा, तो इसका आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरा आपका हिंदी रंगमंच, इसका भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तीसरा है इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, इसका भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर साइंस के, एक है आपका एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, बेसिक IT टूल, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है, ये 6 के 6 सब्जेक्ट आपके स्किल एजमेंट के सब्जेक्ट है, यानी सैक के सब्जेक्ट है। तो इनके आपके इंटरनल जो वो आपके थ्योरी जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं होंगे। और अब आप कहोगे सर, जब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो हम इसमें पास कैसे होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। तो इन्होंने ये बोला है कि जिन भी ऐसे, जो भी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास भी सब्जेक्ट अभी है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, उनको जो नंबर दिए जाएंगे, वो नंबर आपने अगर अभी अभी हाल फिलहाल असेसमेंट आपने दिया है जो कि कल ही ख़त्म हो गए, इंटरनल असेसमेंट में जो भी आपके नंबर आए होंगे इन 6 सब्जेक्ट में, उन्हीं नंबरों के आधार पे आपका रिजल्ट बनाया जाएगा इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। यानी कुल मिला के बात है कि अभी जो वेटेज मिलता था 30 नंबर का मिलता था, बट अब वो 30 नंबर की जगह 100 नंबर का पूरा वेटेज इसमें आपको मिलेगा, जो भी जितने भी आपके नंबर आए होंगे उसको डबल कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के इनके थ्योरी के एग्ज़ाम्स आपके नहीं होंगे, सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट में जो आपने इंटरनल असेसमेंट दिए थे वही सिर्फ असेसमेंट आपके हुए है, और उन्हीं के नंबर आपके चढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर, ये नोटिस अब क्यों आ रहा है जबकि असेसमेंट हम बहुत पहले दे चुके। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसओएल की, कि नोटिस ये बाद में निकालता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, असेसमेंट अगर आपने दे दिए थे इन 6 के सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास था इनमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें जो भी नंबर आपके आए होंगे उसी से आपको पास कर दिया जाएगा, वही आपकी फाइनल ग्रेड में जोड़ दिए जाएंगे जब भी आपका रिजल्ट आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर मेरा सेकंड, मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरे सेकंड सेमेस्टर में इन 6, मान लीजिए 6 तो नहीं है, ये तो अभी भी जोड़े हैं, इन 3 में से मेरे किसी में मेरा बैग था, बट वो मेरे एडमिट कार्ड में शो कर रहा है और उसकी डेट भी शो कर रही है, क्या मुझे वो एग्ज़ाम देना है नहीं देना। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस नोटिस में साफ साफ बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में एनरोल किया इस साल, नए स्टूडेंट हैं, और अगर
आपने इंटरनल असेसमेंट अगर आपका इसका दिया है तो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। बाकी जो भी बैक वाले स्टूडेंट हैं, जो भी फोर्थ सेमेस्टर में है और जिनका अगर इन तीनों में से किसी में भी बैक है सेकेंड सेमेस्टर में, उनका एग्ज़ाम होगा, आपके एडमिट कार्ड में उनकी डेट और टाइमिंग मेंशन होगी। मैं आपको एक एविडेंस दिखा देता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने नए नए सब्जेक्ट ये वाले इनमें से कोई भी लिया होगा, उनका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी के एज इट इज़ लगे रहेंगे क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी मेंशन है। मैं बार बार कहता हूँ एडमिट कार्ड को फॉलो करो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये केस क्या है, काफ़ी स्टूडेंट समझ जाएंगे चीज़ को देख। तो देखिए ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, यही आज आया। अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सर मेरा देखिए रंगमंच का पेपर था सेकंड सेमेस्टर का, मैं भी फोर्थ सेमेस्टर हूँ, बट मेरा रंगमंच का पेपर था, मेरी इसमें बैक आ गई थी, क्या मुझे देना है नहीं देना? तो सिंपल सी बात है, ये आपका नया सब्जेक्ट नहीं है, ये पुराना सब्जेक्ट है। ये नया सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, ठीक, क्योंकि उनके लिए तो पहली टाइम वो ले रहे होंगे। तो और इसी वजह से SOL ने इनका दिन भी दे दिया, तारीख भी दे दी, टाइम दे दी, कोई रिमार्क नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बैक वाला है, तो जिसमें बैक आ जाएगी वो सब्जेक्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, अगर इनमें से लिस्ट में से कोई भी अगर सब्जेक्ट आपका है। बाकी जो फ्रेश सब्जेक्ट रहेंगे उनमें से कोई भी लिस्ट में से जो भी सब्जेक्ट है, साफ साफ मेंशन है, कोई थ्योरी एग्जाम आपका नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट अगर आपने दे दिया है तो उसी के नंबर कंसिडर कर लिए जाएंगे, अगर इंटरनल असेसमेंट अगर आपने नहीं दिया है तो उसमें आपकी आ जाएगी बैक। ऐसी कंडीशन है उसका पेपर आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, इतना ही था और जो जानकारी थी मैंने अवेलेबल करवा दी। अब सर नहीं दिया, एरर हो गया, फेल हो जाऊंगा, अब इस बारे में बात करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट भी अब ख़त्म हो चुके हैं, डेट ओवर हो गई है और थ्योरी के एग्जाम में भी साफ साफ बोल दिया गया है कि जो भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास भी हिंदी रंगमंच, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ और प्रोफेशनल इन एवरीडे लाइफ वाला सब्जेक्ट है जो मैंने बताया, और कंप्यूटर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट है, पहली बार जो ले रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। बाकी जो बैक वाले जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका बैक है इनमें से किसी सब्जेक्ट में, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। बस इतना था इस वीडियो में, वीडियो कैसे लीजिए होता है। थैंक यू।